कोटा में देर रात गौवंश तस्करी की सूचना के बाद झालावाड़ रोड पर रानपुर के पास गौ सेवकों ने दो मिनी ट्रकों को रुकवाया। इसके बाद हाईवे पर हंगामा हो गया। ट्रकों के चालक और खलासी को घेर कर पीटना शुरू किया गया तो मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें बचाया। ट्रकों में भैंसे भरकर ले जाई जा रही थी, पशुओं को मुक्त करवाया गया। पुलिस के मुताबिक अवैध रूप से ले जाए जा रहे 67 पशुओं को मुक्त करवाया गया। गाड़ी चालकों के पास किसी तरह का लाइसेंस नहीं था, जिस पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कोटा के इटावा क्षेत्र में एक बार फिर वन्य जीव पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला है, जहां इटावा के समीप गुड़दी गांव के स्कूल के पीछे सरसों के खेत में एक गाय के बछड़े का पैंथर द्वारा शिकार किया गया है। पैंथर के द्वारा पालतू बछड़े का शिकार किए जाने के बाद ग्रामीणों में खासी दहशत व्याप्त है और वन्य जीव को लेकर ग्रामीण भयभीत नजर आ रहे हैं। वहीं सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और वन्य जीव के पगमार्क को ट्रैक किया जा रहा है, जिससे कि वन्य जीव की पहचान हो सके। पूर्व में भी इटावा के झाड़ोर ख्यापदा कजालिया में वन्य जीव का मूवमेंट देखने को मिला था। वहीं झाड़ोर में खेतों में घूमते हुए पैंथर की तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसके बाद से वन विभाग लगातार पैंथर को ट्रैक करने में जुटा हुआ है। कोटा में भी आज कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा आयोजित हुई। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दो अलग अलग पारियों में ये परीक्षा आयोजित की गई, जिसको लेकर परीक्षा केंद्रों पर नकल को रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। कोटा में 24 परीक्षा केंद्रों पर करीब 6,237 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। कोटा में नगर विकास न्यास के कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के चुनाव आज संपन्न हुए, जिसमें योगेश शर्मा अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए तो वहीं कन्हैया लाल शारदा महासचिव बने और मुकेश ननवाना उपाध्यक्ष पद पर विजय घोषित हुए। कोटा के शिवपुरा भित्रिया कुंड गार्डन में चुनाव संपन्न हुए। जीत के बाद तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स ने नव निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी। कोटा के कुमारपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान व एमपी में वांछित 10,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी नीलेश पटेल मूलतः एमपी के सागर का निवासी है और कोटा के छावनी इलाके में टेंट हाउस पर काम करता था। यहां नवंबर महीने में टेंट हाउस के गोदाम में ले जाकर बालिका से दुष्कर्म की कोशिश की गई थी, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के निर्देशानुसार भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान नेवाती ने कोटा बूंदी लोकसभा अल्पसंख्यक स्नेह संवाद कार्यक्रम के संयोजक के पद पर साबिर अली को नियुक्त किया है। साबिर अली ने स्नेह संवाद अभियान के राजस्थान प्रभारी आसिफ रशीद व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा सहित शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार जताया। साबिर अली के मुताबिक कार्यक्रम को भव्य रूप में आयोजित किया जाएगा और कार्यक्रम में मोदी सरकार के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के हित के जो कार्य किए गए हैं उनको बताया जाएगा एवं विपक्षी पार्टियों द्वारा अल्पसंख्यक समाज को भ्रमित करने एवं अनेकों मुद्दों पर स्नेह संवाद कार्यक्रम में परिचर्चा की जाएगी। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।